हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल जनरल स्टडीज विद अनूप के वर्मा। आपकी स्क्रीन पर ये क्वेश्चन पेपर है। ये पेपर है आपका जेके पब्लिक सर्विस कमीशन 2024 का एग्जाम हुआ है। एक फॉर द लेक्चरर सेकंड कैटेगरी के अंदर, और यहाँ पर जो पोस्ट थी लेक्चरर सेकंड, बेसिकली नॉन इंजीनियरिंग पोस्ट है ये, नॉन इंजीनियरिंग पोस्ट। और ये पोस्ट थी आपकी यहाँ पर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी में, ठीक है, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी के अंदर ये एग्जाम कंडक्ट किया है। सॉरी, और ये एग्जाम हुआ है 17th of 9, 2024 को, ठीक है। तो इस पेपर के अंदर आपको 100 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, और हम मोस्टली सभी क्वेश्चंस के आंसर्स को इस पर्टिकुलर वीडियो सेशन के अंदर फटाफट डिस्कस करते हुए चलेंगे, ठीक है। पेपर का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ। तो सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, Which of the following cell organelles are associated with mitosis? So mitosis से related कौन है यहाँ पर? Centrioles. That is option C is the correct answer. Question number 2. Which vitamin deficiency causes increased cardiac output? तो ये है आपका thiamine. Option number A होगा question का correct answer. Question number 2. Now coming to the question number 3. Urine solution concentration is generally established by. So it is generally established by the specific gravity. Patient is exposed to high dose radiation that damage his and her bone. Which disorder the patient is highly susceptible to? So this is highly susceptible to aphastic anemia. That is option C. Option C is correct answer hoga. Question number 4. Now coming to the question number 5. Normal इंट्रास्कुलर प्रेशर रेंज ये कितना होता है? ये होता है आपका 12 to 20 mg पर मर्करी। दैट इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उमामी इज अ डोमिनेंट टेस्ट ऑफ फूड दैट कंटेन्स, सो इट कंटेन्स द एल ग्लूटामेट। दैट इज ऑप्शन बी, सॉरी ए इज द करेक्ट आंसर। Law of gut is concerned specifically with, so it is concerned with the peristalsis. That is option C is the correct answer rahega. Which of the following is not a gastric secretion? Gastric secretion nahi hai, so gastric secretion yahan par nahi hai. Chymotrypsin. That is option number A correct answer hoga. Malabsorption of nutrition by the small intestine mucus leads to. So it leads to the spores. That is option C is the correct answer. Placental peptides that promotes the growth of a corpus lictum is human chronic. Option A यहाँ पर होगा correct answer. Option A question number 10. Next question है आपका question number 11. Which of the following is not a cause of thyroidism. So यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर आपका ऑप्शन डी होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। मून फेस अपीयरेंस इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, सो इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द कशिंग सिंड्रोम। दैट इज ऑप्शन डी इज द करेक्ट, सी इज द करेक्ट आंसर। विच हार्मोन डिक्रीज प्लाज्मा कैल्शियम लेवल, सो ये डिक्रीज करता है कैल्शिटोनिन। दैट इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। ओवुलेशन इज प्रीसीडेड बाय द सर्च ऑफ, सो इट इज प्रीसीडेड बाय द ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। दैट इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। टोटल एस्टिमेट लिम्फ फ्लो जो है वो कितना होता है? वो होता है 120 ml पर आवर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16। एक्सपोजर ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट्स इज अ स्टरलाइजिंग प्रोसीजर एज इट फॉर्म्स थायमाइन डाइमर इन अ डीएनए प्रिवेंटिव रिप्लिकेशन। दैट इज ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पर भी आपका क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17। द एंजाइम इन्वॉल्व इन द पैथोजेनिसिटी ऑफ स्ट्रेप्टोकोकाई इज,
सो 17th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एड्स डिफाइनिंग डिजीज। सो 18th क्वेश्चन में यहाँ पर आपका आंसर आएगा इनवेस ब्रेस्ट कार्सिनोमा, दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। विच टाइप ऑफ हेपेटाइटिस वायरस इज एसोसिएटेड विद द हाइएस्ट मोर्टिलिटी इन द प्रेगनेंसी। सो यहाँ पर आपका आंसर रहेगा हेपेटाइटिस ई, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 20, टॉर्च पैनल कंटेन्स द ऑप्शन ए यहाँ पर रहेगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, विच एनरिचमेंट मीडियम इज जनरली एम्प्लॉयड फॉर आइसोलेशन ऑफ विब्रियो कॉलरिया। तो यहाँ आंसर होगा अल्कालाइन पेप्टोन वाटर, दैट इज ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22, विच स्टेनिंग टेक्निक डिफरेंशिएट रैबीज इंक्लूजन फ्रॉम अदर इंट्रासेलुलर इंक्लूजन, दैट इज सेलर्स स्टेन, दैट इज ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22 का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, में आपसे पूछा है कॉपलिक स्पॉट आर ऑब्जर्व इन द म्यूकस मेम्ब्रेन इन पेशेंट सफरिंग फ्रॉम, सो इट इज सफरिंग फ्रॉम द मिजल्स, दैट इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नागलर मीडियम डिटेक्ट, सो नागलर मीडियम डिटेक्ट द लेसिथीनियास, दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। 1MVIC टेस्ट कंसिस्ट ऑफ, सो इट कंसिस्ट ऑफ द इंडोल मिथाइल रेड सिट्रेट वोगिस, दैट इज ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 25। नेक्स्ट कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 26, मोस्ट कॉमन स्टेन यूज्ड फॉर जिंजैक स्मीर। सो यहां पर आपका 26 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द हेप्टिन इज करेक्ट, हेप्टिन से रिलेटेड कौन कौन से स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है, तो द लैक इम्यूनोजेनेसिटी बट रिटेन एंटीजेनेसिटी, एक तो ये आपका करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, सेकंड रॉन्ग है, हेप्टिन इज इम्यूनोजेनिक ओनली विद द कॉम्बिनेशन ऑफ द कैरियर, ये करेक्ट है, एंड थर्ड करेक्ट, फर्स्ट एंड थर्ड करेक्ट है, दैट इज ऑप्शन ए होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 27। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेगेटिव फेज एक्यूट फेज रिएक्टेंट प्रोटीन, तो यहाँ पर आपका रहेगा एंटी थ्रोम्बियम, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। पॉल बनल टेस्ट इज यूज टू डिटेक्ट, इट इज यूज टू डिटेक्ट द इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियस, दैट इज ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑटो इम्यून डिजीज नहीं है, वो है ऑप्शन डी यहाँ पर होगा करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 30। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 31, विच पैथोजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉस्कोकोमियल इन्फेक्शन, तो 31 का यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। विच ऑफ द फॉलोइंग विच इज नॉट एन एग बेस्ड वैक्सीन नहीं है, वो है आपकी ट्रिपल वैक्सीन, दैट इज ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। इम्यून मॉडिफिकेशन ऑफ डेक्सरोज अगर consist of, it consist of basically 1% neopeptone and 2% dextrose and pH 7.2, option D होगा यहाँ पर question का correct answer question number 33। question number 34, erythropoietin a regulator of RBC production is mainly secreted by, it is mainly secreted by the kidney, primary granules of neutrophils contains the peroxidase, that is option number A is the correct answer. 36 number question, temporary oxidation of Fe2+ to Fe3+ results in the formation of, it is the formation of the, that is methemoglobin, that is option C is the correct answer. Total ल्यूकोसाइट्स काउंट फॉर अ चिल्ड्रन एज ऑफ 4 to 7, ये कितने होते हैं, ये होते हैं आपके 6,000 to 15,000 क्यूबिक पर एम एम, ठीक है, दैट इज ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 38, आर बी सी
रेड ब्लड सेल्स विद अ शार्प इरेगुलर थॉर्न लाइक अ प्रोजेक्शन ऑन द आउटर एज आर टर्म्ड एज सो दिस इज टर्म्ड एज द अकेंटोसाइट दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 38 का नॉट 60 दैट इज 38 क्वेश्चन नंबर 39 नॉर्मोक्रोमिक मैक्रोसाइट अनीमिया डिस्प्लेस सो इट डिस्प्लेस द इवेल्युएटेड एमसीवी एंड नॉर्मल एमसीएचसी दैट इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर विच डिसऑर्डर इज कैरेक्टराइज्ड बाय हाई सीरम आयरन सीरम फर्निट विद अ नॉर्मल टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी 40 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर आपका सीडेरियोब्लास्टिक एनीमिया दैट इज ऑप्शन बी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 40 नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 41 विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट रिजल्ट इज नॉट एक्सपेक्टेड इन आयरन डेफिशियंसी ठीक है सो 41 का यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा हाई ESR basically that is option number D is the correct answer which vitamin deficiency cause megaloblastic anemia तो ये cause करता है आपका vitamin B12 option number D is the correct answer question number 42-43 which of the following changes occurs during mutation in a sickle cell anemia that is glutamate is replaced by the valine that is option A is the correct answer Now coming to the question number 44 number question dithionite test shows the positivity of for so it shows the positivity for the sickle cell anemia that is option number A is the correct answer hemoglobin precipitates scenes on in RBC due to deficiency of glucose 6 phosphate are termed as so this is termed as the Hinds bodies, that is option A is the correct answer. 46 की बात करें तो presence of iron in bone marrow seamer is detected by the pearl staining. That is option A यहाँ पर होगा question का correct answer question number 46. 47. What which of the following is a characteristic feature of Lupus cells? So characteristic feature की बात कर रहा है तो यहाँ पर आपका answer होगा neutrophil and macrophage in nature that is option A correct answer rahega which enzyme is used as an inactive liquefying agent in human semen so 48 ka yahan par correct answer hoga aapka option number A alpha amylase option number A is the correct answer question number 48 next coming to the question number 49 so which of the following is an example of the non controllable variable to 49 ka yahan par jo correct answer hoga वो होगा आपका रेस ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर द टाइप ऑफ क्रोमैटोग्राफी यूज्ड टू प्रिपेयर लार्ज क्वांटिटी ऑफ प्रोटीन एंड एंटीबॉडीज इज एफिनिटी क्रोमैटोग्राफी दैट इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 51 रिकमेंडेड ऑर्डर ऑफ ड्रॉ फॉर मल्टीपल सैंपल कलेक्शन येलो लाइट ब्लू एंड द लेवेंडर ग्रे दैट इज ऑप्शन ए यहां पर होगा 51 का करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52 सिक्स सिग्मा प्रोवाइड्स अ क्वांटिटी फ्रेमवर्क ऑफ फॉर द इवैल्यूएशन ऑफ सो फॉर द प्रोसेस ऑफ परफॉर्मेंस एंड इंप्रूवमेंट ऑप्शन ए यहां पर करेक्ट आंसर रहेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डायग्नोस्टिक मेकर एंजाइम फॉर द लीवर सो ये होगा आपका एसिड फॉस्फेट दैट इज ऑप्शन बी होगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 53 का करेक्ट आंसर Now coming to the question number 54, according to the National Academy on Clinical Biochemistry, the tumor marker as a diagnostic aid for ovarian cancer is. So, ये होगा आपका CA125, option A यहाँ पर correct answer होगा. An example of tumor suppressor gene is P53. Option number D is the question का correct answer होगा, question number 55. 56 number question, patient with Favism are mostly deficient in the glucose 6 phosphate dehydrogenase. Option C is the correct answer. When D Burg test is direct positive in, it is direct positive in case of obstructive jaundice. That is option B is the correct answer. Question number 57. Now coming to the question number 58.
रीनल थ्रेशोल्ड वैल्यू ऑफ अ ग्लूकोज इज, सो इट इज 180 mg पर dl, दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 58 का. क्वेश्चन नंबर 59, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट. तो 59 की हम बात करें तो रेस्पिरेटरी यहाँ पर चारों का आपके करेक्ट है, ठीक है, चारों करेक्ट है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. 60 नंबर क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60 ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 61, फ्लोरीन आयन प्रिवेंट्स ग्लाइकोलिसिस बाय इनहिबिटिंग द एंजाइम इनोलेज, दैट बेसिकली ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. द मेजरमेंट ऑफ सी पेप्टाइड is advantageous over insulin because C peptide level do not measure exogenous insulin, ye correct hai. Hepatic metabolism of C peptide is negligible, ye bhi correct hai. C peptide do not cross react with the insulin antibodies, ye bhi correct hai. Tino correct hai, that means option number D hoga yahan par, sorry C hoga yahan par question ka correct answer, question number 62. क्वेश्चन नंबर 63, फ्रीडवॉल्ट इक्वेशन ये क्या है आपकी, तो ये है आपकी ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, ऑप्शन ए. द रेफरेंस इंटरवल फॉर सीरम सोडियम इज, सो ये होता है आपका 135 टू 145. स्वीट टेस्टिंग फॉर इलेक्ट्रोलाइट कंसेंट्रेशन इज मेजर्ड टू कन्फर्म द फिब्रोस क्रिस्टल क्रेस्टिक फेब्रोज, दैट इज ऑप्शन सी यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 65. क्वेश्चन नंबर 66, अनएम्बेडेड स्पेसिमेन आर कट यूजिंग द कोल्ड माइक्रोटोन टोम, दैट इज ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. विच फिक्सेटिव इज नॉट रिकमेंडेड इन द इन्वेस्टिगेशन ऑफ न्यूक्लियोप्रोटीन, सो यहाँ पर आपका आंसर होगा मर्क्यूरी क्लोराइड, दैट इज ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 67. ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 68, द फिक्सेटिव दैट इज कंसिडर्ड गुड फॉर बोन्स बोन मैरो एंड ब्लड फॉर्मिंग ऑर्गन इज, दिस इज द हेली फ्लूइड, दैट इज ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. प्रोटीन क्रोमेटाइजेशन इज यूज टू प्रिजर्व इट यूज टू प्रिजर्व द माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर. विच टाइप ऑफ बायोप्सी इज रिलेटेड टू द सर्वाइकल ओनली, सो यहाँ पर आपकी रहेगी कोन बायोप्सी, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 70. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 71, डी कैल्शिफिकेशन ऑफ बोनी टिश्यू इज डन बाय ऑल द मैथड एक्सेप्शन यहाँ रहेगी आपकी किसकी, यूजिंग कॉन्सेंट्रेटेड मिनरल एसिड से, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर. The preferred clearing agent in electrolyte microscope is 72 का यहाँ पर correct answer होगा propyl oxide. Which of the following is not used in slide adhesive में नहीं use किया जाता, वो है polyalkylserine solution. Option number A यहाँ पर क्या होगा question का correct answer होगा, question number 73. Now coming to the question number 74, the corrective action can be taken to avoid alternate thick and thin section encountered in microtomy. So 74 ka yahan par correct answer hoga adjust the angle, option number D is a correct answer. How many milliliters of commercial available ethyl alcohol is taken to prepare alcohol of 20 ml, to yahan par aapka rahega answer, That is 147.4 ml. Option number A यहाँ पर होगा 75 number question का correct answer. Next coming question है question number 76. Methylene blue is an example of. It is an example of thiazine dye. Option number B is the correct answer. What is the statement false about the blue reagent using H and E staining? तो यहाँ पर आपका answer रहेगा it increases pH and induce color changes. Option A correct answer. 78 की बात करें, डायग्नोस्टिक इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री मेकर्स और मार्कर्स यूज फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ बी सेल लिम्फोमा इज,
CD20, दैट इज ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 78 का करेक्ट आंसर। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 78 के बाद 79 नंबर क्वेश्चन पे। मे ग्रुनवॉल्ड जियस्मा स्टेन कंटेन्स, ये क्या कंटेन करता है? इट कंटेन्स द मिथाइलिन ब्लू एंड इओसिन वाई, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। विच म्यूजियम फ्लूइड कंसिस्ट ऑफ फॉर्मेलिन, पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम एसिटेट एंड फिल्टर्ड टैप वाटर? सो 80 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 80 नंबर क्वेश्चन ऑप्शन ए यहां पर होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 81 के ऊपर। इम्यूनो डोमिनेंट शुगर प्रेजेंट इन द ए एजेंट इन आरबीसी दैट स्पेसिफाइड द ब्लड ग्रुप इज, दैट इज एन एसिटाइल गैलेक्टोसमाइन, दैट इज ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इफ द मेटिंग जेनोटाइप और ए बी एंड बी ओ द ऑफस्प्रिंग पॉसिबल फिनोटाइप में भी, सो यहाँ पर ऑफस्प्रिंग जो है वो एनी ऑफ द अबव हो सकती है, कोई सी भी हो सकती है इनमें से, ठीक है। 83 नंबर क्वेश्चन, विच इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ आर एच एंटीबॉडीज, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 83 की, तो यहाँ करेक्ट आंसर होगा इट इज एन आई जी एम इम्यूनोग्लोबिन, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, नॉट पूछा गया था, ठीक है। 84, रेड सेल्स कलेक्टेड फ्रॉम एबीओ ग्रुप विद अ सोडियम सिट्रेट शुड बी टेस्टेड विद इन, इट शुड बी टेस्टेड विद इन द 14 डेज, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। व्हाट इज इनकरेक्ट या विच इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द डोनर सेक्शन ऑफ अ ब्लड ट्रांसफ्यूजन? तो इंटर लेवल बिटवीन द डोनेशन शुड बी मिनिमम 4 वीक, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर रहेगा, ये गलत है आपका यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 86, एज पर द इंटरनेशनल रेगुलेशन द कलर लेबल्ड एज अ ओ ए बी, ए बी ग्रुप इज अ ब्लड, सॉरी हाँ ओके, कलर लेबल्ड एज अ, सो यहाँ पर हम बात करेंगे तो 86 का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ब्लू, येलो, पिंक, व्हाइट एंड व्हाइट रेस्पेक्टिवली, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द ब्लड डोनेशन, ठीक है। तो रिपीट डोनर आर मोर लाइकली टू डेवलप वैसोवैगल सिम्टम्स देन द फर्स्ट टाइम डोनर, दैट इज ऑप्शन ए यहाँ पर क्या होगा 87 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। 87 के बाद हम बात करते हैं 88 की, ट्रांसफ्यूजन ट्रांसमिटेड डिजीज टेस्टिंग इज डन फॉर, ये सभी टेस्ट उनके लिए सभी डिजीज के रहेगा, दैट इज ऑप्शन डी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर 88 नंबर क्वेश्चन। Now coming to the question number 89, which blood component are selected to prevent transfusion associated graft versus host disease? 89 का फिर यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर मिलेगा irritated RBC, that is option B is the correct answer. By which method desired component are retained and unwanted portion of the blood is returned to the donor? 90 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर हेमोफेरेसिस, दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। सिम्टम्स ऑफ ट्रांसफ्यूजन रिलेटेड एक्यूट लंग इंजरी इंक्लूड्स ऑल एक्सेप्ट, यहाँ पर एक्सेप्शन रहेगी किसकी, हाइपरटेंशन की, ऑप्शन नंबर ए होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 92, एन एग्जाम्पल ऑफ FDA रिकॉर्ड अप्रूव साइटोकाइन इन ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन इज, सो 92 की बात करें तो यहाँ पर आपका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, सिट्रेट फॉस्फेट डेक्सट्रोज सॉल्यूशन विद एडेनाइन एडिशन कैन इनक्रीज द सेल्फ लाइफ ऑफ अ डोनर ब्लड टू। 93 की बात करें तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर होगा बी 35 डेज, ठीक है। नेक्स्ट है 94 नंबर क्वेश्चन, फॉर अ ब्लड डोनेशन indefinite deferral is done in case of, it is done in case of the history of Kaga disease, which iron concentration increases after massive blood transfusion, massive blood transfusion में bicarbonate बढ़ जाता है, ठीक है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर रहेगा आपका। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 96, द क्लोजनेस ऑफ अ agreement between the average value obtained
फ्रॉम अ लार्ज सीरीज ऑफ रिजल्ट टेस्ट रिजल्ट एंड एक्सेप्टेड रेफरेंस वैल्यू इज 96 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ट्रूनेस ऑप्शन ए. एरर दैट अफेक्ट्स द एक्यूरेसी ऑफ द टेस्ट सिस्टम इंक्लूड सो 97 का यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन डी. ये तीनों चीज़ें यहाँ पर रहेंगी. नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 98. सो द अमाउंट ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इतना मोलर सॉल्यूशन तो वो कितना चाहिए आपको. यहाँ चाहिए हमें 20 ग्राम. ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. एक सेकेंड 20 ग्राम नहीं यहाँ पर 2 ग्राम चाहिए सॉरी 2 ग्राम. ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर रहेगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का. नाउ कमिंग टू द लास्ट टू क्वेश्चन ऑफ दिस पर्टिकुलर पेपर. सो आइडेंटिफाई द मेजर्ड एनालिट एंड प्रॉपर्टी इन द फेस ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ अ ग्लूकोज इन प्लाज्मा. तो ये होगा कंसेंट्रेशन इन अ ग्लूकोज इन प्लाज्मा एंड ग्लूकोज एंड कंसेंट्रेशन दैट इज ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है. FMEA, FMEA का मतलब क्या होता है. फेलियर मोड एंड इफेक्ट एनालिसिस ऑप्शन बी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. ठीक है. सो दिस इज द पेपर ऑफ JK पब्लिक सर्विस कमीशन 2024 में एग्जाम कंडक्ट कराया गया है. लेक्चरर सेकेंड कैटेगरी नॉन इंजीनियरिंग बेसिकली नॉन टेक्निकल है बट इंजीनियरिंग सेक्टर का नहीं है. और यहाँ पर है आपका मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी का ये पेपर था. ठीक है. 17/9/2024 को ये एग्जाम कंडक्ट कराया गया है. ठीक है. इस पेपर का PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग.